मेरा नाम रामस्वरूप राठी, ये मेरी धर्मपत्नी है। इनके दोनों नी रिप्लेसमेंट का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है और हम नागौर के रहने वाले हैं। इनका 5-6 साल से बहुत तकलीफ थी, तो हम गिन्नी देवी हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट होके यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट करवाया है। पहले दर्द बहुत ज़्यादा ही होता था चलने में, अभी तो ऐसे कम हो गया है, अभी तो 4-5 दिन में बहुत आराम मिला है। तो फिर देखते हैं आगे आगे और मिलेगा। यहाँ की जगह और स्टाफ बहुत ही अच्छा है, कोई हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। सब अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सब बहुत अच्छे है, एकदम बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ का। वहाँ से रवाना हुए जब यही सोचा था कि आगे हॉस्पिटल कैसा होगा, क्या रहने की व्यवस्था होगी, फिर यहाँ आने से पता चला कि बहुत व्यवस्था बढ़िया है, घर जैसा लग रहा है, कोई कुछ आराम से सब कुछ, कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है, स्टाफ वगैरह सब कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मेरे को तो डर नहीं लगा। हमारे वो कंवर साहब है दीपक जी, वो उसको वो तो बोल ही दिया, आप कुछ किसी से बात ही मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पता ही नहीं चला, ऑपरेशन हुआ जब मेरे को कुछ पता नहीं चला, बाद में थोड़ा दर्द हुआ लेकिन यहाँ पता ही नहीं चला कैसे ऑपरेशन हुआ क्या हुआ। सबके साथ में अभी बहुत परेशानी थी मेरे, हमने यही सोचा है बाहर ही निकलने की इच्छा नहीं थी। हम आगे 2-3 महीनों में आगे घूमने जाने वाला प्रोग्राम है, पहले चल ही नहीं सकते थे, बहुत भारी तकलीफ थी, मंदिर के भी दर्शन करने नहीं जाने थे। अभी तो महीना भर से मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे। श्रीनाथ जी जाएंगे नाथ द्वारा, उसके बाद में हम जाएंगे इधर अपने वृंदावन, मथुरा वृंदावन, उसके बाद में द्वारका, फिर वहाँ जाएंगे रामेश्वरम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा हमको। कोई कुछ असुविधा नहीं, एकदम घर के जैसे लगा था, कोई परेशानी नहीं। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो और वहाँ से पेशेंट भेजेंगे, हमारे 3-4 पेशेंट आने वाले हैं गिन्नी देवी हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल में ही भेजेंगे आराम से। तो फिर वहाँ इसको यही सजेशन देंगे कि वहीं जाओ।